मैं डॉक्टर रेखा सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर। आज का हमारा विषय है फल सब्जी प्रसंस्करण उत्पादन एवं विपणन द्वारा महिला स्व सहायता समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण तथा कोविड-19 लॉकडाउन के फलस्वरूप प्रवासी मजदूरों के आर्थिक पुनरुत्थान की संभावनाएं। जैसे कि मैं इस विषय में आपको ये बताना चाहती हूँ कि फल सब्जी प्रसंस्करण के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों ने कैसे अपना काम किया है और रोजगार स्थापित किया है, और आज की जो परिस्थिति है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो भी हमारी महिला प्रवासी मजदूर हैं, वो अपना आर्थिक उत्थान कैसे करें। कृषि विज्ञान केंद्र की प्रमुख जो गतिविधियाँ हैं उसमें क्षेत्र परीक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन और प्रशिक्षण, ये हमारा मेन कार्य होता है, जिसमें कि हम जो भी नई नई तकनीक है उसका फील्ड पे परीक्षण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और उससे संबंधित जो भी हमारे प्रशिक्षण है वो हम देते हैं। लेकिन आज जब हम महिला स्व सहायता समूह की बात कर रहे हैं तो इसमें ये है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य था फल सब्जी प्रसंस्करण का कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा महिला स्व सहायता समूह का आर्थिक सशक्तिकरण करना। हमने कुल 11 स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ कार्य किया है, मतलब उनको हमने प्रशिक्षित किया है, और जो गांव हमने चुने 4 गांव में से इनको चुनाव हमने किया था। जैसे कि ये बनचौर, उन्होंने टमाटर, मूली और कटहल, करेला और ये मुर्गा का जो फल होता है उसका उन्होंने अचार बनाया। और वैसे ही हमने मुर्गी गांव से एक स्व सहायता समूह के साथ कार्य किया, उनको प्रशिक्षित किया, उन्होंने फलों का प्रसंस्करण किया और उन्होंने बेल है इसका और आपका अनानास हो गया, आपका अदरक हो गया, उसका उन्होंने कई तरह का स्क्वैश बनाया रेडी टू सर्व। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये अदरक का शरबत बना हुआ है जो कि तुरंत पिया जा सकता है। इसकी पैकेजिंग, बॉटलिंग सब उन्हीं के द्वारा की गई और उन्होंने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना रोजगार बना लिया है। ये बेल का ये भी उन्हों के द्वारा बनाया गया था, जो मुनगी गांव की महिलाएं थी स्व सहायता समूह की, उनके द्वारा। ये आप देख रहे हैं अनानास का स्क्वैश है, अनानास का स्क्वैश इस तरह से बना के बॉटलिंग करके उन्होंने इसका रोजगार स्थापित किया। उसके बाद अमेरी गांव के 2 स्व सहायता समूह को हमने मशरूम उत्पादन और उसके प्रसंस्करण विषय पर हमने प्रशिक्षण दिया, जिसमें उन्होंने मशरूम का पाउडर बनाया और उससे अपना रोजगार स्थापित किया। बिलाड़ी तिल्दा ब्लॉक के बिलाड़ी गांव की 6 स्व सहायता समूह की महिलाओं को हमने मुनगा पत्ती के उत्पादन के लिए उनको प्रेरित किया, फिर उन्होंने जो मुनगा पत्ती है उसको सुखा के उसका प्रसंस्करण करके पैकेजिंग के द्वारा उन्होंने अपना रोजगार स्थापित किया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की उन्होंने पैकेजिंग की जो बिलाड़ी गाँव की महिलाओं के द्वारा किया गया। ये पैकेजिंग सिखाई गई, यही आके वो पैक करती और लेबलिंग का कार्य किया गया। इस तरह से हमने जो भी ट्रेनिंग का मॉड्यूल जो होता है या जो प्रशिक्षण के लिए हम तैयारी करते हैं वो हमने बनाया, और उसके लिए हमने जो प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था करते हैं किस तरह से उनको प्रशिक्षित करें, इसके लिए हमने जैसे आपका उन्होंने सब्जी का उनको जो भी अचार बनाना था, जैसे आपका टमाटर का हो गया, इसके जो उन्होंने प्रशिक्षण उनको लेना था उसके लिए हमने 3 दिन का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, जिसमें 18 घंटे तक उनको 6 प्रकार के अचार बनाने का प्रशिक्षण का हमने मॉड्यूल तैयार किया। उसी तरह फल के लिए जैसे ये रेडी टू सर्व, इसे रेडी टू सर्व बोलते हैं, मतलब आप बोतल खोलेंगे और तुरंत उसको पिया जा सकता है, तो ये बनाने के लिए हमने जो प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया वो 4 दिनों का था। 4 दिनों का मतलब 24 घंटे कुल उसमें 4 दिनों में, और उस तरह उन्होंने 3 तरह के ये बेवरेज RTS रेडी टू सर्व जो बेवरेज है, पीने वाले पेय पदार्थ, उसको बनाने की ट्रेनिंग दी। इसी तरह मोरिंगा पाउडर, मतलब मुनगा के पत्ती का पाउडर बनाने के लिए हमने 5 दिनों का ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार किया, और उन्होंने इसको पत्ती को उसमें सुखाने से लेकर पीसने से लेकर पैकेजिंग की सब व्यवस्था की गई। और मशरूम पाउडर बनाने के लिए हम लोगों ने 6 दिन का प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार किया और महिलाओं ने इसे सीखा। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 तरह के पोषक प्रोडक्ट बनाए गए, न्यूट्री प्रोडक्ट, जिनकी मतलब उत्पादन, उनका पैकिंग, उनका लेबलिंग, और इसमें कुल 4 गांव की महिलाएं शामिल हुई। 118 महिलाओं को हमने इस प्रकार प्रशिक्षित किया जो कि हमारे रायपुर जिले से संबंधित थी।
और उनको हमने इस रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में काम किया कि उनको किस तरह से मार्केट प्रोवाइड हो। इसके लिए हमने एक दुकान की व्यवस्था की जो विश्वविद्यालय उत्पाद विक्रय केंद्र के नाम से हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ही कैंपस में है, और वहाँ इनका ये सभी जो उन्होंने उत्पाद तैयार किए वो वहाँ उचित दाम पे मिलते हैं। इस तरह जो हमारी महिलाएं हैं, इधर फोटो में भी आप देख सकते हैं कि जैसे करेले का अचार बन चरोदा की महिलाओं ने सीखा, ये मुनगी की महिलाओं ने किस तरह से इसका बॉटलिंग पैकिंग ये सब उनके द्वारा किया गया। ये मुनगी गांव की महिलाएं इसको पैक करना भी इन्होंने सीखा। उसके पहले हम लोग संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं जिसमें देखते हैं कि महिलाएं क्या क्या सीखेंगी, उनको क्या सिखाएं। और इस तरह की बॉटलों में भी आप उन्होंने अचार को पैक किया, जैसे ये आप देख सकते हैं ये करेले का अचार, और सभी की ब्रांडिंग की गई, इससे ये स्पष्ट हो रहा है। ये आप देखिए इसे मशरूम पाउडर के लिए इस तरह से पैकिंग किया गया है। ये 200 ग्राम का पैक है 200 रुपए में। और ये मुर्गा पाउडर उन्होंने मुर्गे की पत्तियों को निकाला, सुखाया और इस तरह से पैक करके वो महिलाएं मुर्गा पाउडर को बेच रही हैं। ये देखिए टमाटर का अचार, एक समूह ने टमाटर का अचार बनाया बन चरौदा की। इस तरह से देखिए कोई भी एग्जीबिशन है उसमें भी उनकी बिक्री हो रही है, और इस तरह की पैकिंग भी हमारे अचार के लिए की जा सकती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं टमाटर का अचार, इस तरह की पैकिंग में आसानी से ये हो सकता है। ये जब आप खोलेंगे सील बंद है निकलेगा, उसके बाद इस ढकेल का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो पैकेजिंग के द्वारा भी हमारा रोजगार बहुत अच्छी दिशा लेता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है, और पैकेजिंग हमारे केवीके के माध्यम से आपको प्रशिक्षित किया जाता है। हमने ये देखा कि जो भी हम महिलाओं का हम प्रशिक्षण देते हैं उनके जो भी उत्पाद होते हैं उसके FSSAI पंजीयन की व्यवस्था भी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है। उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि हम FSSAI लेबल के लिए कैसे क्या क्या कागजात चाहिए, कैसे करना है, ये सब आपको कृषि विज्ञान केंद्र से बताया जाता है। उनकी बिक्री का लाइसेंस GST की तो इतना बड़ा है नहीं कि उनको अभी GST लगे, फिर भी हम उसकी जानकारी उनको देते हैं। और प्रत्येक का हमने एक ब्रांड नेम तैयार किया है, हमने एक ना ब्रांड नेम इसका तैयार किया है कि हर एक प्रोडक्ट का हम एक ब्रांड हमने बनाया। जैसा इंदिरा प्रगति प्रीमियम, ये अलग है आटे का बना हुआ है। मुर्गा शक्ति, इसका आप देख रहे हैं ये ब्रांड नेम हम देते हैं। जैसे मुर्गा शक्ति ये बिलाड़ी वालों का है मुर्गा पाउडर, उसी तरह मशरूम शक्ति हमने ये दिया हुआ है, जैसे कि ये मशरूम शक्ति ये ब्रांड दिया, और ब्रांडिंग भी सिखाई जाती है। और उनकी बिक्री के लिए आप देख रहे हैं व्यवस्था जो हमने किया है, ये विश्वविद्यालय का उत्पाद विक्रय केंद्र खुला गया है जहाँ पे इनके सारे उत्पाद बिक रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर भी फुटकर बिक्री हो रही है और शहरी स्तर पर भी फुटकर बिक्री होती है। इसके अलावा जो भी उनका एग्जीबिशन लगते हैं, मेला होता है, उसमें भी वो अपना उत्पाद बेचकर काफ़ी आय अर्जन कर रही है। अब अगर हम ये देखें कि प्रवासी महिला मजदूर जो आज की परिस्थिति में है उनके आर्थिक पुनरुत्थान की इसमें क्या संभावना है, तो उनके आर्थिक पुनरुत्थान की संभावना ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने स्व सहायता समूह को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार के लिए प्रेरित किया है, हम प्रवासी महिलाओं के लिए भी ऐसा कर सकते हैं और इच्छुक हैं उसकी। जो महिलाएं ये करना इस तरह का प्रशिक्षण लेना चाहती हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकती हैं। जैसे आज की स्थिति में 22 मई की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कुल प्रवासी मजदूर जो आए हैं लॉकडाउन के दौरान वो 117 हैं, जिसमें से 32% जो 32% हैं वो स्किल्ड हैं, और उनका है कि वो चाहेंगे, जैसे वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनका काफ़ी स्किल्ड लेबर है तो वहीं वापस जाएंगे, और कई सेमी स्किल्ड हैं वो 15% हैं, और जो सेमी स्किल है जो है कि शायद जाएंगे या नहीं जाएंगे वो आपका 53% है। और इन सभी मजदूरों में अगर हम देखें तो 26% महिलाएं हैं। तो इन 26% में आप देख रहे हैं 237 महिलाएं हैं। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें से हम 120 को ही प्रशिक्षित अभी कर सकने की स्थिति में हैं। हमारे पास जो पैकिंग मशीन है या जो भी हमारे पास है सुविधाएं, उसमें हम 120 लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं आज की स्थिति में।
ये और प्रवासी महिला मजदूरों के आर्थिक पुनरुत्थान की जो संभावना है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रवासी मजदूरों के कौशल विकास का आंकलन शुरू कर दिया है। हमारे पास पूरी लिस्ट है कितने प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, उसमें उनके जो कौशल विकास का आंकलन कर रहे हैं, कौन कितना प्रशिक्षित है या किसके पास क्या कौशल है उसका जारी है आंकलन करना, और जो भी महिला प्रवासी मजदूर हैं उनका उन्मुखीकरण व प्रेरणा, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं और उनका ओरिएंटेशन कर रहे हैं, उनसे बात करके उनसे चर्चा करके ये हम काम हमने शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने पहले महिलाओं को आपको दिखाया कि स्व सहायता समूह की महिलाएं किस तरह अपना रोजगार स्थापित कर चुकी हैं, उस तरह हम इनको भी प्रशिक्षित करने की दिशा में और प्रदर्शन के अनुसार इनको हम जागरूक करेंगे। और इनके कार्य की शुरुआत हेतु फंड की व्यवस्था, इनके कार्य की शुरुआत के लिए जो भी फंड चाहिए होगा उनको NRLM से लिंक करके फंड की व्यवस्था की जा सकती है। विपणन की व्यवस्था, इनके विपणन की जो भी व्यवस्था है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्वविद्यालय का उत्पाद विक्रय केंद्र यहाँ स्थापित हो चुका है, इसके द्वारा वो अपने उत्पाद का विक्रय कर सकेंगी और इस तरह हम प्रवासी महिला मजदूरों के आर्थिक पुनरुत्थान की संभावनाएं देखते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करके हम आसानी से उनको आर्थिक उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के इस चैनल को लाइक करें, इसमें कमेंट करें, आप किस तरह के प्रशिक्षण चाहते हैं वो बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।